तो पार्लियामेंट ने एक्ट एक अभी पास कर दिया, जो अभी प्रपोज ला है इन प्रोसेस, अभी कौमी असेंबली ने पास कर दिया, उसके बाद सेनेट में जाएगा, फिर सदर साहब इस पर दस्तखत करेगा, साइन करेगा। सो मोर टू एक्शन कैन बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 186 में है कि सुप्रीम कोर्ट कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एज वेल एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सो मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, चीफ जस्टिस ले सकता है, और जो मोटो एक्शन था अब ये रेगुलेट होगा, तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है, क्योंकि इसी सो मोटो एक्शन के बाद अगर कोई सो मोटो एक्शन ले, उसके बाद अगर कोई डिसीजन आ जाए, तो उसी डिसीजन पर विद इन 30 डेज अपील होगा, और विद इन 15 डेज में वो अदालत के सामने लग जाएगा, फिर उस पर आर्गूमेंट्स होंगे कि क्या 3 सीनियर मोस्ट जजेस की वो एक्शन को देखेगा, क्या इस पर हम सुमोट ले सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है या नहीं, इसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है या नहीं, तो वो कमेटी जब फैसला करेगी, सो देयर आफ्टर दे विल टेक द सुमोट एक्शन एंड द केस विल बी फिक्स्ड बिफोर द कोर्ट। आजकल जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुकूमत के पास मेरे ख्याल में इतने वसाइल नहीं है को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंटेस्ट करे, तो उसके लिए फंड मुहैया करना ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो फ्री ऑनेस्ट और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करें। सियासत में मुदाखलत करते हैं, तो आपके ख्याल में वाकई मुदाखलत करते हैं या ख़ास मुतालिका इदारे को प्रोटेक्शन हासिल है, तो इस तरह हमें भी प्रोटेक्शन देना चाहिए और एक अच्छी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कानूनी जरगा पॉडकास्ट में खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईनी पाकिस्तान को 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन आज भी इस आईन को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस भी है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस पे बात करते हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट ज़ियाउर रहमान ताजिक साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और गहरी नज़र रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पे। सर, आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत सर, ये जो रिसेंटली अदालती असलाहत बिल मंजूर हुआ है कौमी असम्बली से, आपके ख्याल में क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि अदालती असलाहत बिल मंजूर कर ले? हाँ, मेरे ख्याल में अदालत के पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है। आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट को अथोराइज करता है फॉर लेजिस्लेशन, तो पार्लियामेंट ने एक्ट अभी पास कर दिया, जो अभी प्रपोज ला है इन प्रोसेस, अभी कौमी असम्बली ने पास कर दिया, उसके बाद सेनेट में जाएगा, फिर सदर साहब इस पर दस्तखत करेगा, साइन करेगा, तो उसके बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन ये जो एक्ट अभी प्रपोज ला है, ये नीड ऑफ द टाइम है। नीड ऑफ द टाइम इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन 184 में है कि सुमोटो एक्शन कौन लेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेगा व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट और देयर इज सम वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट और क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इज इन्वॉल्व। सो इन दैट सरकमस्टांसिस द सुमोटो एक्शन कैन बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 186 में है कि सुप्रीम कोर्ट कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एज वेल एज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, चीफ जस्टिस ले सकता है, और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। लेकिन लास्ट ईयर इस पर एक जजमेंट आ गई, उस जजमेंट के बुनियाद पर सुमोटो एक्शन लेने के जितने भी इख्तियार थे, इट वॉज गिवन टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दैट ओनली द चीफ जस्टिस हैव द पावर टू टेक सुमोटो एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन मैटर्स विच आर मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस। सो अब जो एक्ट पास हुआ, इस एक्ट के तहत एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया कि हु विल टेक सुमोटो एक्शन, हु विल बी इन द बेंच, द बेंच विल बी प्रिजाइड बाय होम। सो ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये स्पेसिफाई नहीं था कि सुमोटो एक्शन कौन ले सकता है, तो अभी इस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ने इसको स्पेसिफाइड किया, एलाबोरेट किया और प्लस एक्सप्लेन भी कर दिया, जिसकी बुनियाद पर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो सुमोटो एक्शन था अब ये रेगुलेट होगा, तो ये हमारे फ़ायदे के लिए है, क्योंकि इसी सुमोटो एक्शन के बाद अगर कोई सुमोटो एक्शन ले, उसके बाद अगर कोई डिसीजन आ जाए, तो उसी डिसीजन पर विद इन 30 डेज अपील होगा, और विद इन 15 डेज में वो अदालत के सामने लग जाएगा, फिर उस पर आर्गूमेंट्स होंगे कि क्या आया सुमोटो एक्शन में जो डिसीजन था वो ठीक था या नहीं था। पहले जितने भी सुमोटो एक्शन लिए गए थे उस पर कोई राइट ऑफ अपील नहीं था,
ये भी लॉ के अगेंस्ट अगर किसी के खिलाफ कोई ओके सर यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या इस बिल में ये भी है कि बेंच में कितने जजेस होंगे जो सोमोटो एक्शन जो है लिया जाएगा फ्यूचर में? वो उसमें है कि इसमें तीन जजेस होंगे। तीन जजेस मतलब तीन जजेस ले सकते हैं सोमोटो इस पे एक बेंच मतलब फैसला कर सकते हैं, अकेले एक जज नहीं? अकेले नहीं, इससे पहले कमेटी होगी फर्स्ट थ्री सीनियर मोस्ट जजेस की, वो एक्शन को देखेगा क्या इस पे हम सोमोटो ले सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है या नहीं, इसमें फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है या नहीं, तो उस वो कमेटी जब फैसला करेगी सो देयर आफ्टर दे विल टेक द सोमोटो एक्शन एंड द केस विल बी फिक्स बिफोर द कोर्ट। ओके सर, इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है, बाज लोगों के माहरी कानून के कानूनदान के राय ये भी है कि ये बिल जो है ना ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जब ये बन जाएगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अगर जब ये एक्ट पास होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा सो एवरीवन हैज़ द राइट टू चैलेंज दैट पार्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर अदालत में चैलेंज भी हो जाए तो ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है ये इन लाइन है विद आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब आर्टिकल 3, क्योंकि इस एक्ट में आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 को एक्सप्लेन किया गया है, एलाबोरेट किया गया है। अगर हम किसी लॉ को चैलेंज करना चाहते हैं या किसी लॉ को चैलेंज करते हैं तो इसको हम आर्टिकल 8 के तहत एक बुनियाद पर चैलेंज कर सकते हैं, दैट लॉ इज़ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोवाइड है आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। तो अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे तो फिर ये एस्टेब्लिश करेगा दैट दिस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट अगेंस्ट दिस एंड दिस फंडामेंटल राइट प्रोवाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी बुनियाद पर चैलेंज कर सकता है, ये जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 8 की उसी बुनियाद पर। सर इससे रिलेटेड इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, जिस तरह हम सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने डेट दिया हुआ था अप्रैल में इलेक्शन होने थे लेकिन अभी पोस्टपोन कर चुके हैं अक्टूबर में ये होंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि डेट को चेंज कर सकते हैं? यस, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। फर्स्ट इसमें तो है कि जब एक प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, when the provincial assembly is dissolved, so after dissolution of the provincial assembly the election will be announced within 90 days, that election shall be conducted within 90 days from the date of dissolution of provincial assembly as per article 105 sub article 3 of the constitution. Isme phir ye article 224 hai uska sub article 2 hai usme bhi 90 days provide hai, lekin jis article ke तहत ye provincial assembly dissolve ho jati hai article 112 वो इस पर साइलेंट है कि इन हाउ मच डेज द इलेक्शन शैल बी कंटेस्टेड और इलेक्शन शैल बी हेल्ड आफ्टर डिसोल्यूशन, तो वो आर्टिकल इस पर साइलेंट है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 256 है जो हमें ये प्रोवाइड करता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी काम को करने के लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम हो और अगर उसी स्पेसिफाइड टाइम में उस एक्ट को न किया जाए तो उस बुनियाद पर उस एक्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इदारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता या हम उसको नल एंड वॉइड नहीं करार दे सकते कि ये नल एंड वॉइड है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 57 है, 57 में है कि इलेक्शन कमीशन विल अनाउंस प्रोनाउंस अ डेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन द प्रेजिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, लेकिन आर्टिकल 58 में यह है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकता है, अगर उसने एक डेट दी हो तो उस डेट के बाद इलेक्शन पोस्टपोन भी कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के साथ आर्टिकल 58 के तहत ये इख्तियारात है, और इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आजकल सेंसस है ये इन प्रोसेस है, आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 4 के तहत ये ज़रूरी है दैट इलेक्शन शल बी कंटेस्टेड आफ्टर न्यू सेंसस, अगर न्यू सेंसस से पहले हम इलेक्शन अनाउंस करें इलेक्शन हम करें तो ये आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 4 की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अभी जो मर्दमशुमारी जारी है मर्दमशुमारी की वजह से पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज उसकी तादाद भी बढ़ जाएगी, देन पीपल ऑफ पार्टिकुलर लोकेलिटीज़ विल बी डिप्राइव फ्राम देयर प्रॉपर रिप्रजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। जब मर्दमशुमारी बढ़ जाएगी लोगों की तादाद बढ़ जाएगी तो इसी वजह से ये कौमी और नेशनल असम्बली में सीट्स एमपीएस और एमएनएस की भी बढ़ जाएंगे, तो इस तरह
पुरानी सीटों पर इलेक्शन करना ये आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 4 के खिलाफ वर्जी है और लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलेगी। सर आपके एक रिसेंट आर्टिकल भी शाया हुआ था फ्रंटियर पोस्ट में, आपने फाइनेंशियल चैलेंजेस का भी जिक्र किया हुआ था, तो वो क्या है? तो आजकल जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस है तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुकूमत के पास मेरे ख्याल में इतने वसाइल नहीं है को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंटेस्ट करे, तो उसके लिए फंड मुहैया करना ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो फ्री ऑनेस्ट और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करे। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस में जब इलेक्शन कमीशन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो और हुकूमत भी उनके साथ कोई हेल्प नहीं करती, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये फाइनेंशियल क्राइसिस जस्टिफाई होल्डिंग एंड डिले ऑफ इलेक्शन। सर इस मसले को पीटीआई ने अदालत में लेके गया है, अकॉर्डिंग टू देम कि ये तवहीन अदालत की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन दौरान समाज सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि 30 अक्टूबर क्यों, ये अगस्त भी होना चाहिए था, मई में भी कर सकते थे, तो अक्टूबर क्यों उन्होंने मुंतखब किया, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को मालूम होगा कि उसका प्रॉपर रीज़न क्या है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस इज द मेन रीज़न फॉर डिले एंड होल्डिंग इलेक्शन। तो आपका कहने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है कि वो इसको चेंज कर सके? चेंज कर सकता है, बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरा जो आजकल मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल है, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस भी है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ का बहुत ज़्यादा फुकदान है, तो आपके ख्याल में रूल ऑफ लॉ के चैलेंजेस क्या है और किस तरह हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? रूल ऑफ लॉ में बेसिकली ये है कि रूल ऑफ लॉ है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, नो वन इज़ अबव द लॉ, ऑल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो देन ही शुड बी कन्विक्टेड एंड ही शुड बी पनिश्ड, ये रूल ऑफ लॉ तो ये है। लेकिन रूल ऑफ लॉ के लिए ये ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है एंड लेजिस्लेशन है। तो जुडिशरी के जितने भी इख्तियारात है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो जुडिशरी दे विल एक्सरसाइज देयर पावर विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेशन के जो इख्तियारात है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है दैट दे विल लेजिस्लेट। इस तरह एग्जीक्यूटिव के भी कुछ इख्तियारात है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है दैट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शल बी एक्सरसाइज बाई द फेडरल गवर्नमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारी बदकिस्मती से इसके अलावा आर्टिकल 245 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्म फोर्सेस के इख्तियारात और उसके फंक्शन को डिफाइन करता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द रीज़न ईच ऑफ द ऑर्गन मेकिंग कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस इन अदर ऑर्गन अफेयर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न द रूल ऑफ लॉ इज़ नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें ये करना चाहिए जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो डॉक्ट्राइन है उस पर हमें स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्राइन है स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ओवर दियर। अगर हम यहाँ पर हर इदारे को अपने हदूद में रहकर अपने पावर इख्तियारात अपने पावर जो है वो एक्सरसाइज करे, अपने फंक्शन को परफॉर्म करे विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो रूल ऑफ लॉ इट कैन बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड रूल ऑफ लॉ के जितने भी समारात हैं फिर वो हमें हासिल हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्राइन है इस पर स्ट्रिक्टली हमने फॉलो करना होगा? हाँ, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आर्टिकल 141 में है पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, आर्टिकल 90 में है दैट एग्जीक्यूटिव विल एक्सरसाइज देयर पावर थ्रू फेडरल गवर्नमेंट ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा आर्टिकल 175 पे जो जुडिशरी के इख्तियारात को इस्तेमाल डिफाइन करते हैं कि जुडिशरी के क्या इख्तियारात होंगे, 245 में आर्मी के पावर्स है, फंक्शन है, तो क्योंकि किस तरह अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे, किस तरह अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर की जो डॉक्ट्राइन है इसको हम स्ट्रिक्टली इम्प्लाई करें, इम्प्लाई भी करें और कम्प्लाई भी करें, तो इस तरह पाकिस्तान में चेंज आ सकता है। सर रिसेंटली कौमी असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है और रेजोल्यूशन में ये है कि अदलिया जो है ना सियासत में मुदाखलत करते हैं, तो आपके ख्याल में वाकई मुदाखलत करते हैं? मैं उसके साथ एग्री नहीं, उस रेजोल्यूशन के साथ क्या अदलिया अच्छा मुदाखलत करते हैं कि नहीं ये उनको मालूम होगा,
लेकिन जो मेरा अपना व्यू है कि एवरीवन शुड एक्सरसाइज देयर पावर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर गिवन टू दैट पार्टिकुलर ऑर्गन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सुप्रीम लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, सुपरमेसी आप जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं, सो जुडिशरी इज़ नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम, पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम, बिकॉज पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दो पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंड नहीं कर सकता। तो अमेंडमेंट के भी जितने इख्तियार आते हैं पार्लियामेंट के, दैट इज़ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी को स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना चाहिए। ओके सर, ये जो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट लेकिन मरोत में जो नेचुरल रिसोर्सेज है सच एज गैस एंड ऑयल डिस्कवर वहाँ पे हुई है, तो ये डायरेक्टली पंजाब को जा रही है पास लेकिन मरोत डिस्ट्रिक्ट, तो आईनी पाकिस्तान में कौन सा आर्टिकल है जो इसके साथ रिलेटेड है और आपके क्या व्यूज़ है इस पर? आईनी पाकिस्तान में इसके मुतालिक जो आर्टिकल है नेचुरल रिसोर्सेज खासकर गैस के मुतालिक, नेचुरल गैस के मुतालिक आर्टिकल 158 है। 158 में ये क्लियर है अगर कहीं पर नेचुरल गैस हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंस शुड बी फुलफिल्ड एंड देयर आफ्टर इट शुड बी गिवन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस। सो अगर लकी मरोत में नेचुरल गैस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लकी मरोत शुड बी फुलफिल्ड एंड देयर आफ्टर इट मे बी गिवन टू द अदर प्रोविंसेस। लेकिन इसके अलावा आर्टिकल 172 है, उसमें सब आर्टिकल 3 है विच वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 18 अमेंडमेंट। उसमें में ये है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इक्वली मलकियत होंगी। सो दीज आर टू कंट्राडिक्टरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 158 में है कि जिस प्रोविंस में जनरेट होगी या जहाँ पर नेचुरल गैस पैदा होगी, सो इस प्रोविंस के रिसोर्सेज को या ज़रूरियात को पहले पूरे करेंगे। लेकिन 172 में है कि ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इक्वल मलकियत है। सो दीज आर टू कंट्राडिक्टरी प्रोविजन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके लिए फिर एक दूसरा आर्टिकल भी, आर्टिकल 161 है। 161 में है कि इससे जितने भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, रॉयल्टी है, देट शुड बी गिवन टू देट पार्टिकुलर प्रोविंस जहाँ से ये नेचुरल गैस हम रिकवर करते हैं। ये जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में ये रॉयल्टी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं जाएगी बल्कि प्रोविंस मुतलका प्रोविंस को दी जाएगी, या जहाँ पर ये पावर हाउसेज है तो उस पावर हाउसेज के जितने भी प्रॉफिट है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी जाएगी। सर, पीपल आर प्रोटेस्टेड देयर इस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कि ये हमारे लीगल हक है, हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके जानिब से एक सवाल पूछा गया है आफाक मोहम्मद खान जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू हेम के क्या लीगल पाथवेज है कि उसको जो है ना फॉलो करके ये लीगल राइट जो है ना अचीव कर सकते हो? तो इसके लिए हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकता है, हाई कोर्ट मेरिट पिटीशन फाइल कर सकता है जो कि प्रॉपर रेमेडी है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस है। 158 है, 172 सब आर्टिकल 3 है, लेकिन 158 बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट ज़रूरियात मुतालिका सूबे के पूरे किए जाएंगे, और 172 सब आर्टिकल 3 में है कि प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट इक्वल ओनर होंगे। तो इसके लिए प्रॉपर फोरम जो है वो हाई कोर्ट है कि हाई कोर्ट में वो रिट पिटीशन फाइल कर दे। इस पर इसी पॉइंट पर पहले भी पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हो चुका था जो पिटीशनर के हक में डिसाइड हो चुका था। उसमें हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि फर्स्ट हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है दैट शुड बी फुलफिल्ड एंड देयर आफ्टर इट मे बी गिवन टू द अदर प्रोविंसेस इन समवेयर इन 2013 or 2014 और अपोर्ट जजमेंट है। सर, ये जो रिसेंटली लॉ प्रोटेक्शन एक्ट पास हो चुका है पार्लियामेंट से, आपकी एक जनरल कमेंट्स जानना चाहता हूँ, आपकी क्या कमेंट करेंगे इस पर? ये ठीक है, जो लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट है ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि वी हैव नोटिस ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन दैट लॉयर वर मर्डर, दे वर किल्ड ऑन पीटी मैटर्स। सो हम वकला को जिस तरह आम जनरल पब्लिक को या एक ख़ास मुतालिक़ा इदारे को
प्रोटेक्शन हासिल है, तो इस तरह हमें भी प्रोटेक्शन देना चाहिए और एक अच्छी मूव है आपके ख्याल में। सर, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इन द कमिंग 10 ईयर्स? मेरे ख्याल में जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है ये बेहतर होगा, हालात अच्छे रहेंगे। ये तो पिछले 3-4 सालों में जो हालात ख़राब हुए हैं, मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि अच्छे हालात भी आ जाएंगे, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा।